Assalamualaikum guys, I'm new to my channel. I'm very happy to like and share and subscribe. Sunnat ke lafzi mani hai tareeqa re lihaz se murad Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki zindagi guzarne ka tareeqa aapki ibadat ke sath sath aapka chalna phirna baithna sona jagna khana peena ye tamam baatein jis andaaz se Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne jis andaaz se ki hai usko sunnat kehte hain. आज मैं आपको पानी पीने की सुन्नत के बारे में बताऊंगा जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी. दाएं हाथ से पानी पीना क्योंकि बाएं हाथ से शैतान पानी पीता है. पानी पीने से पहले आप खड़े हों, आप बैठ जाएं, खड़े होकर पानी पीना मना है. बिस्मिल्लाह कहकर पीना, पी के अल्हम्दुलिल्लाह कहना. तीन सांस में पानी पीना, सांस लेते वक्त ग्लास को मुंह से अलग करना. कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें ज्यादा पानी आने का खतरा हो, जिसके अंदर सांप या बिच्छू आ जाए. पानी पीने की जो सुनती है उनका एक वाक्य है, वो मैं आपको सुना. एक दिन सहाबा इकराम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमा रहे थे, पानी हमेशा देखकर पीना चाहिए. एक यहूदी उधर खड़ा हुआ था, उसने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लिया. अपने घर में जब रात को वो पानी पीने लगा, उसने बीवी को कहा चिराग ले आओ. बीवी चिराग ले आई, उसने रोशनी में देखा पानी के प्याले की तह में एक स्याह बिच्छू था. सुबह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में हाजिर हुआ और बोला, आपकी एक सुन्नत पर अमल करने से मेरी जान बच गई. उसने उसी वक्त कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया. हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक बात पर अमल करना चाहिए. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी पा सकते हैं. साथ अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. चाचा.